तो हमारा रेजिस्टिविटी किन किन फैक्टरों पे डिपेंड करता है? तो रेजिस्टिविटी को आप एक आइसक्रीम समझिए। तो अगर आपको आइसक्रीम को चेंज करना है तो आप आइसक्रीम को कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं? तो आप उसका मटेरियल चेंज करके आइसक्रीम का फ्लेवर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि वेनिला, स्ट्रॉबेरी, बटर स्कॉच, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर की वजह से डिफरेंट डिफरेंट आइसक्रीम हो जाता है। वैसे ही हमारा रेजिस्टिविटी भी है, अगर यहाँ पे भी आप मटेरियल को चेंज कर देते हैं, जैसे कि कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टिविटी हो जाएगा। तो दूसरी चीज आती है हमारा टेम्परेचर। अगर आप आइसक्रीम का टेम्परेचर ही बढ़ा दें, यानी गर्म कर दें, तो क्या होगा? वो आइसक्रीम नहीं रहेगा, मिल्क शेक बन जाएगा। ठीक उसी तरह अगर मटेरियल का आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टिविटी भी चेंज हो जाएगा। और तीन चीज़ों पर रेजिस्टिविटी बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है, तो उसका शेप और साइज। तो अगर आपका वेनिला आइसक्रीम है, उसका आप शेप कुछ भी रखिए तो वो रहेगा तो वेनिला आइसक्रीम ही ना। तो उसी प्रकार से आप अगर कॉपर का वायर कैसे भी उसको मोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए, काट दीजिए, तो उसका रेजिस्टिविटी कभी भी चेंज नहीं होगा। तो रेजिस्टिविटी चेंज कब होता है? जब हमारा टेम्परेचर या मटेरियल चेंज होता है। और कब चेंज नहीं होता है? जब उसका शेप चेंज हो रहा होता है।